कहते हैं ना, ग्लैमर के पीछे की दुनिया की सच्चाई बहुत दर्दनाक होती है। यही परवीन बॉबी के साथ भी हुआ। जब वो सुपरस्टार थी तभी मानसिक रोग का शिकार हो गई। परवीन बॉबी को प्यार करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी प्यार टिका नहीं। डैनी, महेश भट्ट और कबीर बेदी के साथ उनके लिव इन रिलेशन रहे, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा। सक्सेस और लाइमलाइट परवीन की जिंदगी को ले डूबी। परवीन की रहस्यमय लाइफ पर एक नहीं बल्कि दो दो फिल्में बनी। महेश भट्ट ने फिल्म अर्थ अपनी और परवीन की लव स्टोरी पर ही बनाई थी। फिल्म में परवीन का रोल स्मिता पाटिल ने निभाया था। महेश भट्ट और परवीन बॉबी का लिव इन रिलेशन करीब 3.5 साल तक चला। परवीन बॉबी मानसिक रोग की शिकार हो रही थी और यहीं से महेश भट्ट और परवीन का रिश्ता टूट गया। और फिर महेश भट्ट ने परवीन की याद में वो लम्हे फिल्म बनाई। वो लम्हे एक गुड बाय है। महेश भट्ट फाइनली सेज गुड बाय टू द मोस्ट अनयूजुअल वुमन ही मेट इन हिज लाइफ, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी का नाम अमिताभ बच्चन के साथ भी जुड़ा। अमिताभ और परवीन ने दीवार, शान, मजबूर और अमर अकबर एंथनी में साथ काम किया था। परवीन ने अमिताभ बच्चन पर उन्हें जान से मारने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया था, लेकिन सबूतों के अभाव में परवीन की पिटीशन अदालत ने खारिज कर दी थी। 1983 में जब परवीन बॉबी अपने करियर के हाइट्स पर थी, तब उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। 6 सालों तक परवीन कहाँ रही ये भी एक रहस्य था। 1989 में वो इंडिया वापस लौटी, लेकिन तब तक लंबी छरहरी परवीन बदल चुकी थी। उनके कमबैक को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। परवीन अकेली और तन्हा थी। ईयर 2001 में परवीन ने इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। बॉलीवुड से पूरी तरह कट चुकी परवीन धीरे धीरे बीमार होने लगी, तन्हा होने लगी। 22 जनवरी 2005 में परवीन के घर पुलिस पहुंची। पता चला 4 दिनों से घर का दरवाजा तक नहीं खुला है। दूध और अखबार भी किसी ने नहीं उठाया। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो परवीन को मौत की आगोश में पाया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो गई थी। डायबिटीज और गैंग्रीन से पीड़ित थी परवीन। उनकी बॉडी को क्लेम करने वाला भी कोई नहीं था। बाद में एक दूर के रिश्तेदार ने परवीन का अंतिम संस्कार करवाया। परवीन अब मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में अपनी माँ के साथ आराम से सो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।